What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from TradingFab.in. आज है 16 जनवरी 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:07 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। एक रेंज में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। कल बेयर्स ने कोशिश की थी कि निफ्टी में एक साउथवर्ड मूव यहां से हमें देखने को मिले, लेकिन फिर से एक बार बुल्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया और एंड ऑफ द मार्केट फिर से जहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ था उसी के पास आकर क्लोज हुआ। तो फिर से बुल्स काफ़ी मार्केट में एग्रेसिव यहाँ पर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 15 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने हमारा वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जैसे ही ब्रेक डाउन लेवल 12,348 ब्रेक होता है, एग्जैक्ट निफ्टी इंडेक्स इसी के पास ओपन हुआ। ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। तो जैसे ही ओपन होने के बाद टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव हुआ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 12,322 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 12,301 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 32 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स देखे तो कल नासडैक हरे निशान में बंद हुए, 7 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स, लंदन मार्केट में 20 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली, हालांकि जर्मन और फ्रांस मार्केट में कमजोरी के हमें साफ तौर पर दिखाई दी। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी और चाइना मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 34 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और हांगकॉन्ग इंडेक्स भी 155 पॉइंट के बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखिए तो हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि कल भी हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके यहाँ पर 50% का ये जो लेवल है 12,366 ये यहाँ पर अचीव्ड हो चुका है। तो अभी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 12,500 के आसपास बन सकता है, जो कि 61.8% का लेवल है। आज एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले। तो ऊपर 12,360 और नीचे 12,240 इस रेंज के अंदर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखे। एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल ये हमारा सपोर्ट लेवल आ रहा है 12,240, ये फर्स्ट सपोर्ट होगा, और उसके बाद में 12,084 ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर हो सकता है। तो ये डेली वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर कल एक ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसा पैटर्न बना है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न। यहाँ पर ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे, जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके क्लोज हुआ है। तो फिर से एक बार बुल्स का एग्रेसिवनेस मार्केट में देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपर 12,366 का रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल के पास है। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल मूव आता है तो ही यहाँ से निफ्टी में हम यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। और नीचे अगर ये 12,278 यानी कल के लो के नीचे अगर 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट में अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें फिर से एक बार टूवर्ड साउथवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी के बारे में डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल आ सकता है। तो ब्रेकआउट लेवल कल ये जो पैटर्न बना है यहाँ पर, एक पहले तो शार्प फॉल आया, बाद में फिर से बुल्स एग्रेसिव हो गए और मार्केट को फिर से एक बार उसी लेवल पे आ गए जहाँ पर ओपन हुआ था। तो कल का हाई अगर ब्रेक होता है तो ऊपर यहाँ पर एक स्विंग हाई बना है। अगर मैं यहाँ से इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये क्लियरली दिखाई देगा। तो अगर यहाँ से बाय पोजिशन बनाना है तो इस लेवल को कम्फर्टेबली अगर ब्रेक करता है, यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ये पिवट पॉइंट का R1 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। यानी 12,372 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल।
और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,386, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,402, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विंग लो बना है, लास्ट स्विंग लो प्रीवियस सेशन में बना था, उसी के पास पिवट पॉइंट का भी लेवल आ रहा है 12,325। तो ये होगा हमारा आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल, तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये हमारा होगा ब्रेक डाउन लेवल। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है, यहाँ पर पास में देख सकते हैं, यहाँ से एक बार स्विंग हाई बना था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, तो अभी हो सकता है ये लेवल सपोर्ट का काम करे। तो ये हमारा होगा 12,305, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा कल का स्विंग लो, जहाँ से निफ्टी इंडेक्स ने फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाया था, यानी 12,286, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।